हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप सब ने IRMS एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी होगी, बिकॉज न्यूज आ चुकी है। डिटेल नोटिफिकेशन आपको फरवरी में मिल जाएगा। 28 मई को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है और सितंबर में, 15 सितंबर के अराउंड आपके मेंस के एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। सो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 9 महीने का टाइम है। अगर मैं दिसंबर के कुछ दिन काउंट कर लूँ और सितंबर के कुछ दिन काउंट कर लूँ, तो 9 महीने के आपके पास सफिशियंट टाइम है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि सर, हम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल से ये IRMS का एग्जाम देना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्लीज गाइड अस इन टर्म्स ऑफ बुक लिस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो चीजें क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि अगर आपने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और आपने ऑलरेडी किसी बुक को रेफर किया था इन सब्जेक्ट्स के लिए, जो भी आपके 10 सब्जेक्ट UPSC कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल के अंदर हैं, तो प्लीज आप कोशिश करिए कि आप उन्हीं बुक्स को रेफर करिए। बिकॉज क्योंकि एक बार आप उन बुक्स को पढ़ चुके हैं, जब आप उन बुक्स को दूसरी बार पढ़ेंगे, इट विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू ग्रैप दोज कंसेप्ट। पहली चीज तो ये है। सेकेंड, अगर आपने किसी कोर्स में इनरोल कर लिया है, तो मैं आपको मल्टीपल सोर्सेस से रेफर करने को नहीं कहूंगा। अगर आप उस बुक पे उस जो भी सोर्स ऑफ मटेरियल रेफर कर रहे हैं या जिस भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर कर रहे हैं, आप उसके साथ जा सकते हैं। आई एम वेरी श्योर कि उसके अंदर आपका कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होना चाहिए। ठीक है, और वो आपने देख परख के ही चूज किया होगा। ठीक है, फिर भी अगर लेट से अगर आप तैयार करना चाहते हैं और अगर आप बुक लिस्ट खोज रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं आपको 10 सब्जेक्ट्स की कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिस्ट बताऊंगा। ये बुक्स वो हैं जो मैंने खुद ने अपने एक्सपर्ट टीम के साथ बैठ के फाइनलाइज करी है, क्योंकि ये सारी बुक्स ऐसी हैं जो हम पढ़ चुके हैं बहुत ही डिटेल में। इवन जब हम कोर्स क्रिएट करते हैं, तो हम इन बुक्स का रेफरेंस लेते हैं ताकि हम आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे सकें। तो इन बुक्स के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और जो जो बुक्स मेरे पास अवेलेबल थी यहाँ पे ऑफिस में, मैंने वो सारी बुक्स आपको दिखा भी दे रहा हूँ ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाए, एंड अगर आप मार्केट में परचेज करने जाते हैं, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं, लेट्स हैव अ लुक, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की बुक के बारे में बात करते हैं, विच इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट इन योर पेपर वन, जहां पे आपको कुछ पोर्शन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड कुछ पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सी बुक यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर बुक। इस बुक का नाम मैंने बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो ये बुक है बाय जेआर मुंगर सर, बहुत ही फेमस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूज की जाती है। इसके अंदर आपको थ्योरी भी मिल जाएगी और इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे सफिशियंट लेवल के, ऑफ द UPSC लेवल, ऑफ द IRMS एग्जाम लेवल, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कलर कुछ और है, आप चाहें तो लेटेस्ट एडिशन यूज कर सकते हैं। दिस इज द लेटेस्ट एडिशन, आई थिंक इसके अंदर बहुत अच्छे से थ्योरीज कवर की हुई हैं, बहुत अच्छे से कंसेप्ट भी कवर किए हुए हैं और सफिशियंट न्यूमेरिकल हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए सफिशियंट होंगे। तो इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल हो तो आप लेटेस्ट एडिशन यूज करें, दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट आपको जो आपके सिलेबस के अंदर देखने को मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉस्टिंग। ठीक है, जब हम कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग आता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी दो बेस्ट बुक है मार्केट में, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। एक बुक है जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो MN अरोरा सर की है, वेरी रिनाउंड ऑथर इन द एरिया ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकेंड बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग विच इज बाय महेश्वरी मित्तल, ये भी बहुत ही फेमस बुक है। दोनों ही बुक में कॉम्प्रहेंसिवली थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कवर्ड है। अगर आपको थ्योरी ज्यादा कवर करने का मन है या ज्यादा आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो ये वाली बुक रेफर कर सकते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल ज्यादा लगाना चाहते हैं, न्यूमेरिकल ओरिएंटेशन ज्यादा लेना चाहते हैं, तो आप ये बुक पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, इट्स टोटली योर चॉइस, बट अदरवाइज दोनों बुक के अंदर थ्योरी और न्यूमेरिकल एडिक्वेट लेवल का दिया हुआ है, जो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ बुक। ठीक है, हमारे पास है ये बुक, एक ये बुक है MN अरोरा सर की, इसको आप देख सकते हैं, दिस इज द बुक बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, MN अरोरा सर की है। दूसरी बुक जो मैंने आपको बताई कॉस्ट अकाउंटिंग की, दैट इज बाय महेश्वरी मित्तल सर, तो ये भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इसको भी आप जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगले सब्जेक्ट में चलते हैं, विच इज सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट, जिसके अंदर 5 हेड्स पूछे जाते हैं मेजरली। ठीक है, और काफी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका अप्रोक्सीमेट वेटेज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 45 मार्क्स का वेटेज है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसको प्लीज अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक बता रहा हूँ, ज्यादा बुक्स नहीं बता रहा, बाय डॉक्टर गिरीश आहूजा सर, बहुत ही रिनाउंड प्रोफेसर हैं, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि कॉमर्स का बेस्ट कॉलेज माना जाता है, वहां पे ही वॉज अ प्रोफेसर, नाउ अभी रिटायर हो चुके हैं, बट इनकी बुक अभी भी सालों साल से चलती आ रही है और बहुत ही रिनाउंड मानी जाती है। तो इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं, आई हैव दिस बुक, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस द बुक, थोड़ी सी मोटी है। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने सिलेबस ओरिएंटेड चैप्टर्स ही कवर करने हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशनड है
सिंपल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स ओनली, आपने सिलेबस में चेकआउट कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि जो एंटिटीज के कंप्यूटेशन है, टैक्स कंप्यूटेशन है, उसमें हमें नहीं घुसना है, वो हमें नहीं सॉल्व करनी, ठीक है। तो इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं फॉर योर सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स। आगे बढ़ते हैं, एक और सब्जेक्ट है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, अप्रॉक्सिमेटली 30 मार्क्स का वेटेज है जो मुझे बिल्कुल ठीक से याद है, ठीक है, विच इज फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, जिसके अंदर बेसिक्स ऑफ ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, बैंकिंग का ऑडिट हो गया, इंश्योरेंस ऑडिट हो गया, ठीक है, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो गया, ये सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। इसके लिए आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, डॉक्टर अरुणा झा मैम की, ये भी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बहुत ही फेमस ऑथर है इन द एरिया ऑफ ऑडिटिंग, तो इनकी बुक को आप रेफर कर सकते हैं। पतली सी बुक है, हमारे पास है नहीं, बट अदरवाइज मैं बता दूं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, और सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को रेफर करना है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। पूरी बुक पढ़ने के लिए जाओगे तो नहीं कवर कर पाओगे, बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा और बहुत ज्यादा मोटी बुक भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया आपको ऑडिटिंग का। आगे बढ़ते हैं, नाउ दिस इज वन सच क्लासिक सब्जेक्ट जिसका वेटेज पास्ट ईयर एनालिसिस के बेसिस पे सबसे ज्यादा है, 150 मार्क्स का वेटेज है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, दैट इज योर सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका सिलेबस भी थोड़ा सा बड़ा है, और मैं आपको बता दूं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही पूछे जाते हैं इसके अंदर, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। दो बेस्ट बुक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइड करने के लिए, एक है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय प्रोफेसर आर पी रुस्तगी सर, और दूसरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट टैक्स प्रॉब्लम्स एंड केसेस बाय खान एंड जैन के नाम से, बहुत फेमस है बुक, मैग्रो हिल्स की है ये बुक, मेरे पास अवेलेबल है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द बुक, ठीक है, बाय खान एंड जैन सर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है, और जो दूसरी बुक है दैट इज बाय डॉक्टर आर पी रुस्तगी सर, ठीक है, ये थोड़ी सी पतली बुक है, ठीक है, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स थोड़े से कम है, ठीक है, बट अदरवाइज कॉम्प्रहेंसिवली थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों टाइप के टॉपिक्स को ये कवर कर लेती है बहुत अच्छे से, तो इसको आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं, जहां पे कैपिटल मार्केट, थोड़ा सा पोर्शन बैंकिंग का, ठीक है, ये आपके सिलेबस में प्रोवाइडेड है। इसके लिए मुझे लगता है आपको इस बुक से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिस इज द बुक बाय भारती बी पाठक, पाठक सर के नाम से, बहुत फेमस है ये बुक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, तो ये बुक है, दिस इज द बुक। आई एम श्योर अगर आपने बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करी होगी तो आपने इस बुक को जरूर रेफर किया होगा, तो ये बहुत ही कॉम्प्रेहेंसिव बुक है, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंड इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट बुक, विच इज द बुक ऑन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर, ठीक है, 200 मार्क्स का इसका वेटेज है, बिकॉज ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का 100 मार्क्स का वेटेज है और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का 100 मार्क्स का वेटेज है। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी वाले टॉपिक के अंदर बेसिकली मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो मेजरली कवर्ड है, और बिहेवियर के अंदर टॉपिक्स हैं परसेप्शन, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट, चेंज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये एक मैं आपको बुक बता रहा हूँ विच इज अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव बुक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक है, बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग बुक है, इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन हैं, बहुत सारे इसके अंदर केस स्टडीज गिवन हैं, आई एम श्योर आपको केस स्टडीज का टाइम नहीं मिलेगा, बट एग्जांपल जरूर रेफर करिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे अच्छे आंसर लिखने के अंदर, ठीक है। सो इस बुक को आप यूज कर सकते हैं, इसके अंदर मोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के भी टॉपिक्स कवर्ड हैं, अगर नहीं कवर्ड होते हैं तो आप उसके लिए बुक यूज कर सकते हैं टीएन छाबड़ा सर की बिजनेस मैनेजमेंट की, ठीक है, वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टू द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पेपर टू कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल के अंदर इस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज देखा जाता है, ये भी 150 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट वेटेज है, दो सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है बट क्वेश्चंस काफी ट्रिकी आते हैं, काफी घुमावदार तरीके के आते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तरीके के जो करंट टॉपिक्स हैं उन पे काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दो बुक है जो आप यूज कर सकते हैं, वन इज बाय प्रोफेसर सीवी गुप्ता, बहुत ही फेमस बुक है ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और दूसरी है एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय टीएन छाबड़ा सर, दोनों ही बहुत ही अच्छी बुक है। इनमें से एक बुक है मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय टीएन छाबड़ा सर, ये बुक मैं आपको शोकेस कर देता हूं, ठीक है, इसको आप रेफर कर सकते हैं, बहुत ही ईजी और ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। सो दैट वॉज द बुक फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं टू द लास्ट सब्जेक्ट, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, इसमें से लेबर लॉ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स का आता है, ठीक है, इन योर यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल, तो मान के चल रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली सेम वेटेज ही रहेगा, ठीक है। इसके लिए आप एक बुक रेफर कर सकते हो विच इज बाय पियाली घोष, मैंने ये बुक पढ़ी हुई है, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा हुआ है, और बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ वही चैप्टर्स पे फोकस करिएगा जो आपके सिलेबस में मेंशन है।
अगर बुक से तैयारी कर रहे हो और पूरी बुक को पढ़ने की कोशिश करोगे तो पूरी बुक कवर नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। सो दीज वर द बुक्स, आई होप आपको काफी अच्छे से क्लैरिटी आ गई बुक्स की। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, यहाँ नंबर गिवन है, मैं मेंशन भी कर देता हूँ, द नंबर इज 9999466225, ठीक है। तो इस समय हमारा IRMS का एक कोर्स रन हो रहा है, और आप चाहते हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी प्रिपेयर करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर info@anujindal.in, ठीक है। दैट वॉज ऑल, टेक वेरी गुड केयर, प्रिपेयर वेल एंड प्रिपेयर वेल इन एडवांस, डू नॉट वेट कि जब फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी कर लेंगे, तब तैयारी करना शुरू करोगे तो टाइम नहीं बचा होगा और आप तैयारी नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।